झारखंड शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 और राज्य सरकार के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर झारखंड अभिभावक संघ ने आज निजी स्कूल की मनमानी और सरकार के चुप्पी के विरोध में काली पट्टी बांधकर और प्ले कार्ड का इस्तेमाल कर वर्चुअल माध्यम से धरना देकर विरोध जाहिर किया। संघ के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों ने एक स्वर में कहा कि राज्य सरकार समय रहते संघ की मांगों को गंभीरता से ले और कानून का पालन सुनिश्चित करवाए, अन्यथा लॉकडाउन में भी अभिभावक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं रामगढ़ जिला अभिभावक संघ के अध्यक्ष रविशंकर राय ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हम लोग स्कूलों के मनमानी जो चलाए जा रहे हैं अभिभावकों पर, उसका हम विरोध करते हैं। हमारे कुछ निजी शिक्षण संस्थान री एडमिशन के नाम पर पैसा की उगाही कर रहे हैं। हमारे कुछ निजी शिक्षण संस्थान बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने से आनाकानी कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ रामगढ़ जिला के तरफ से जितने भी मेधावी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, हरियाणा आदिवासी के बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं, उनको भी निजी शिक्षण संस्थान क्लास करने के लिए अनुमति दे। और झारखंड सरकार ने जो हमें आदेश इस निजी शिक्षण संस्थानों के लिए दिया है कि कोरोना काल में केवल शिक्षण शुल्क लिया जाए और दूसरे अन्य शुल्क नहीं लिया जाए, उसका भी पालन निजी शिक्षण संस्थान करें। वहीं धनबाद जिले में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। साल भर पहले झारखंड अभिभावक संघ ने एक आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्रांक संख्या 1006 दिनांक 25 जून 2020 को जारी करते हुए सभी गैर सरकारी विद्यालयों को यह निर्देश दिया था कि विद्यालय के पूर्ववत संचालन होने तक केवल मासिक शिक्षण शुल्क ही लिया जा सकेगा, और अगर किसी कारणवश कोई भी अभिभावक मासिक शिक्षण शुल्क भी जमा नहीं कर पाते हैं तो इसके फलस्वरूप उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। केवल इस विभागीय निर्देश की बात नहीं है, बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार भी किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं करना है। लेकिन फिर भी पूरे झारखंड के जितने भी अधिकतर गैर सरकारी विद्यालय है और मैक्सिमम CBSE और ICSE मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय जो है, वो सभी इस फैसले को साइड कर देना चाहते हैं, वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार है ही नहीं। तो अतः हमारा सभी निजी विद्यालयों से यह अनुरोध है कि झारखंड सरकार के पत्रांक 1006 और दिनांक 25 जून 2020 का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।